हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कचौरी गर्ल। तो आज सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी कि मेरे 7.5K सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू सो मच उसके लिए। और उसके बाद मैं सबसे अब बनाने जा रही हूँ कोरियन मील पॉट, क्योंकि मुझे बेसिकली मुझे कोरियन ब्लॉग्स, वो चॉपिंग ये ऐसे मार रहे थे ना, वो देखना मुझे बहुत पसंद है। उन लोग के फूड्स खाने में थोड़े 19-20 लगते हैं, बट देख के ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सब चीज़ खा लो सब चीज़। और मेरा एक ड्रीम प्लेस है साउथ कोरिया जाने का, तो मैं ऑब्वियसली बात है जाऊंगी, कभी ना कभी टच वुड जाऊंगी। और पर ये मेरी दीदी ने देखा, मैं उसको बोल रही मुझे खाना कुछ किमची वगैरह टाइप का। ये नॉर ब्रांड का कोरियन मील पॉट मंगाया, जिसका नाम है स्पाइसी किमची रामन नूडल्स। इसकी पैकेजिंग तो बहुत कूल है, अभी तक मैंने खोला नहीं। और इसकी प्राइस है 300 रुपीज, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव है। अब मैंने खोला नहीं, मैं ऊपर से बता रही हूँ जैसे देख के मुझे लग रहा है रामन नूडल्स के लिए, बट लेट्स सी अंदर क्या होता है। और मैं इसका बनाने का प्रोसीजर बताऊंगी। ये शायद से ओवन में कुक करने बोला है, तो मैं ओवन में कुक करूंगी इसको। इसको आप हॉट वाटर से भी यूज कर सकते हो, बट ये माइक्रोवेवेबल है, तो मैं माइक्रोवेव में करूंगी। इसकी पैकेजिंग मुझे बट बहुत अच्छी लगी। अब मैं इसको खोलती हूँ, देखती हूँ कैसा है अंदर, क्या क्या है। पॉप चॉय वगैरह, किमची वगैरह, ड्राइड सब बता रहा है। लेट्स सी अंदर क्या है। ओहो, मतलब इट्स कूल। इसके अंदर बताया सब वेजिस क्या क्या है, सब चीज लिखा है। फ्रेंड्स, इसके अंदर जैसे सब लिखा है कि ड्राई ब्रोकली, जुकनी, कैप्सिकम, पॉप चॉय, पेपरकॉर्न, सब चीज है, वेजिटेबल सब है। और ये वेज है, तो इसके ऊपर पूरा इंस्ट्रक्शन दिखा है। मैं आपको बताने की नीड होगी, आप जब लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। जैसे रूम टेम्परेचर में पानी डालना है, इसके अंदर नूडल्स डालना है, इसके अंदर मसाला डाल के इसको ओवन में फॉर 6 मिनट रखना है। आप इसे बाहर भी बना सकते हो, बट इस पर तो ओवन ही लिखा है, बट हॉट वाटर करके हम लोग नॉर्मल पैकेट डाल के पॉट में ही बना सकते हैं। तो इसमें जैसा लिखा है मैं वैसे बना के आपको बताती हूँ। चलिए, सो फ्रेंड्स, मैं सब कोरियन में लिखा, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पर हिंदी में लिखा है, सॉरी इंग्लिश में, इट्स माय मिस्टेक। नूडल्स, किमची सीजनिंग एंड किमची वेजेस। ओ माय गॉड, देख के तो बहुत वो लग रहा, बट ट्राई करते हैं। इसके अंदर वाटर लेवल मार्क किया, इतना हमें पहले सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे पानी डालना है। थोड़ा कम है, मुझे और डालना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, वाटर लेवल दिया है, उतना पानी डाल लेना है इसमें, और इसे हमें डालना है। फिर इसके अंदर प्रोसीजर लिखा है कि अब इसमें डाल दें नूडल्स। तो फ्रेंड्स, ये 3 पैकेट इसके साथ है। सबसे पहले हम इसमें डालना है नूडल्स, तो नूडल्स हम कर लेंगे कट। टन 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 टन, इसको बोलते हैं कोरियन में केक। ये थोड़ी अलग लग रही है, मैं थोड़ी कच्ची खा के देखूंगी। इसको डाल दिया मैंने इसके अंदर। इसमें हम डाल देंगे झटपट से, जैसे लिखा है, किमची वेजेस। अब इसे कर देंगे थोड़ा शेकी शेकी, और इसे कर देंगे लेड क्लोज। इसको डाल देंगे ओवन पर। इसको डाल दी ओवन में, एक सेकेंड, इसको डाल देंगे, इधर दिखाओ। हमने 6 मिनट हो गए, तो चले देखते हैं क्या हुआ है इसका हालत। पर बहुत गर्म होगा, मुझे कपड़े से उठाना पड़ेगा। इसका लीड भी ओपन हो चुका है। तेरे दिल से ना, इट्स टू मच हॉट, हॉट एंड हॉट। तेरे दिल से ना, पानी मैंने एकदम बराबर डाला। शुड आई स्टोर? I will stir like this. So friends, आपको एक सच बताऊं, इसमें जितना पानी बोलता मैंने उससे एक पॉइंट नीचे रखा था, तो भी देखिए मैगी इतनी, इस लोगों का केक इतना ढीला हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे किमची पाउडर। सो फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे किमची सीजनिंग, जो बोला था एंड ऑफ द डालना है, इसको डालेंगे। इसका स्मेल तो काफी अच्छा आ रहा है, बट देखते हैं। वो चम्मच तो किसी काम का था, एटलीस्ट एक चॉपस्टिक तो प्रोवाइड करना चाहिए था। इसका स्मेल तो इतना एपेटाइजिंग नहीं है, बट सो फ्रेंड्स, आ गया बारिश का टेस्ट करने का। जैसे फोटोज में दिखा रहा था कुछ भी नहीं है, बट इसका मसाला मुझे अच्छा लगा, मैगी अच्छा लगा। मुझे एक ही चीज डिसअपॉइंट किया, इसकी वेजीज। भाई क्या करे, प्रिजर्वेटिव है तो ऑब्वियस बात ऐसा रहेगा ही। तो टेस्ट करती हूँ मैं। इन लोग ऐसे स्टिकी रहता है, इन लोग का ये सीन है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने
साउथ कोरिया की डिश में मैंने तेबोकी टेस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं घर पे भी बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। मुझे सुशी ट्रस्ट में बोलो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, वेज केस में था इसके लिए, मुझे उसका टेक्सचर टेस्ट ही नहीं पसंद आया तो मैं उसको नहीं खाऊंगी। बट ये मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसको पास कर दूँ कि नहीं देखते। फ्रेंड्स चले खा के मैं आपको बताती हूँ कैसा है इसका टेस्ट। टेस्टी तो बहुत है बट तीखा भी उतना ही है। एक और चम्मच खाऊंगी, जो कि मैं खाई थी उसमें मसाला बहुत था, तो इसको गरम गरम ही खाना तो ही मजा आएगा। ट्राई करूंगी, पैसे के हिसाब से ज्यादा है बट कुछ नहीं, साउथ कोरिया डिश तो एक्सपेंसिव रहेगा ऑब्वियस बात है, बट मत मस्त था। ट्राई करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखें मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।